नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बेरमो के बोकारो थर्मल स्थित दामोदर घाटी निगम रेलवे गेट समक्ष डीबीसी में चल रही कोयले व छाई ट्रांसपोर्टिंग हाईवा गाड़ियों का परिचालन स्थानीय मुखिया बबलू सिंह के नेतृत्व में बंद कर दिया गया। स्थानीय मुखिया सहित लोगों का कहना है कि छाई व कोयला ट्रांसपोर्टिंग गाड़ियों का परिचालन दूसरे रूट से किया जा रहा था, मगर इन दिनों ये ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों का परिचालन तेज रफ्तार से कॉलोनी के रास्ते हो रहा है, जिससे कॉलोनी वासियों के बीच दुर्घटना का डर सता रहा है। वहीं देखा जाए तो इसी मेन रोड में कई स्कूल व कॉलेज हैं और एकमात्र इसी सड़क से स्कूल के छात्र व छात्राएं प्रत्येक दिन गुजरते हैं, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय मुखिया के नेतृत्व में सभी ट्रांसपोर्टिंग गाड़ियों को साइट करके घंटों रोका गया। वहीं इस संबंध में लोगों का कहना है कि इस संबंध में अगर स्थानीय प्रशासन व प्रबंधन ने अविलंब ध्यान नहीं दिया तो इस मुद्दे को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। आप देख रहे हो कि कॉलोनी होकर भारी गाड़ियों का हाईवा का परिचालन जो लगातार जोर शोर से चल रहा है और ये कहीं ना कहीं एक अप्रिय घटना होने का संकेत दे रहा है। अगर इसको समय रहते नहीं रोका गया, बाध्य नहीं किया गया, तो एक बहुत अप्रिय घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ स्कूल है, डीबीसी स्कूल है, इधर डिग्री कॉलेज है और ये सुबह दोपहर के टाइम और शाम के टाइम इतना ज़्यादा स्टूडेंट का आना जाना रहता है। इस मुख्य रोड है ये, हम मुख्य पथ पे हाईवा का एक परिचालन जो है एक झुंड में जाते हैं ये लोग, एक स्पीड के साथ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घटना हो सकता है। जिसको देखते हुए पंचायत के लोग, बोकारो थर्मल के बहुत सारे लोग आके हमसे संपर्क किए कि इसको मुखिया जी कैसे भी करके रोकिए, नहीं रोकिएगा तो किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता, अंजाम हो सकता है। इसी बातों को लेकर आज हम लोगों ने आंदोलन किया और आज हाईवा रोके हैं। और लाइसेंस यहाँ ज़्यादातर लोग हमने देखा, जैसे कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस में ये सब अंडर एज ड्राइवर भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये घटना को जानबूझ के न्योता देने वाली बात है। अगर इसको आज समय पर नहीं रोका जाएगा तो बहुत बड़ी अप्रिय घटना होगी। इसी को देखते हुए आज ये आंदोलन किया और हाईवा का परिचालन को बंद किए है। भारी संख्या में बच्चा लोग यहाँ पे आता जाता है और हम लोग को इतना गाड़ी ये चल रहा है, जो चार चक्का वाला परिवहन है, इतना जोर शोर से चल रहा है, बच्चों लोग को हानि पहुंचा सकता है। बच्चा लोग को कहीं ना कहीं बच्चा लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, कहीं बच्चा लोग को मार दिया, दुर्घटना हो गया। तो इसके लिए हम लोग मुखिया जी से बात करके सोच रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो भी गाड़ी हाईवा चल रहा है उसको बंद किया जाए। वी टाइम न्यूज़ के लिए बेरमो झारखंड से तुलसी प्रसाद की रिपोर्ट।